दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल टेक्निकल माधव में। आज हम आपको एक एम्पलीफायर को ठीक करके दिखाएंगे। देखते हैं, आया है एक बंदा लेके, कह रहा था भाई बिल्कुल ख़राब है, इसे ठीक करके देना है। तो इसे ओपन कर लेते हैं। ये देखिएगा, इसने जो है पूरा कबाड़ बना के रख दिया है। कह रहा था इसमें आईसी वगैरह ख़राब है। ये देखिए, एक आईसी गायब है, इसमें एक आईसी तक नहीं है। चलिए पहले इसमें एक आईसी वगैरह डालते हैं, उसके वायर वगैरह लगाते हैं, आईसी डालते हैं, फिर करते हैं कुछ, ठीक है। और इसकी आईसी रिमूव करने के लिए मैं इस ब्रश का यूज़ करूँगा। एक आईसी ऐसे निकाल लेते हैं, फिर इसमें दोनों आईसी डालते हैं। ये नोकल वाली आईसी पड़ रखी है, इसमें बेकार है, चेंज करते हैं आईसी, न्यू आईसी डालते हैं, आईसी निकालते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, इसमें से हमने आईसी जो है रिमूव कर लिए, ये देखिएगा। और इसके प्रिंट काफ़ी उड़ चुके हैं। इस बंदे ने जिसने पहले इसे यहाँ पे ठीक कराया, उसने आईसी निकाल लिए, अच्छे तरीके से नहीं निकाली, काफ़ी प्रिंट उड़ा रखे हैं। तो हम इसमें न्यू आईसी सबमिट करेंगे। ओके, तो मैं आपको आईसी डाल के फिर दिखाता हूँ। ओके, ठीक है। दोस्तों, हमने इसके दोनों आईसी रिमूव कर लिए, अब इसमें हम आईसी लगाने वाले हैं, ये 44 आईसी। इसमें ये लगाते हैं, फिर आपको इसके कनेक्शन वगैरह भी करेंगे। और ये देखिए, रेगुलेटर वोल्टेज रेगुलेटर, ये 5 वोल्ट वोल्टेज रेगुलेटर, ये कहाँ लगा रखा है देखिए। इसकी जो ऊपर वाली पिन जो है वो ग्राउंड के साथ अटैच कर दी गई है, जबकि इस पर एक हीट सिंक लगा देनी चाहिए, जिससे कि ये हीट ना हो और ये काफ़ी टाइम तक चले। तो इसे भी हटाएंगे, ये ठीक करेंगे। ओके, जब तक मैं इस आईसी को इसमें लगा लेता हूँ, मिलते हैं। ओके, तो दोस्तों, हमने इसमें दोनों आईसी डाल दी हैं, ये देखिएगा। और इसे हीट सिंक को इस पर कस दे रहे हैं अच्छे से, मैं आपको कस के फिर दिखाता हूँ। ओके, तो दोस्तों, इसमें हमने हीट सिंक कस दी है। इस वोल्टेज रेगुलेटर को यहाँ से हटाते हैं और इस पर एक हीट सिंक लगाते हैं। इसे मैं पहले निकाल लेता हूँ यहाँ से। ओके, ये किसी ने इसके ग्राउंड के साथ अटैच कर दिया, ये हमने निकाल लिया। इस पर हम एक हीट सिंक लगाएंगे छोटी सी। ओके, और ये हीट सिंक जो है, छोटी सी हीट सिंक है, इस पर मैं लगाने वाला हूँ, जिससे कि इसके ख़राब होने के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं। ओके, मैं इस पर कस के और फिर इसके कनेक्शन करता हूँ। तो दोस्तों, इस वोल्टेज रेगुलेटर पे हमने इस हीट सिंक को लगा दिया। ओके, और इसके ये जो प्रिंट है इन पर सोल्डरिंग करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। ओके, इस पर थोड़ा पेस्ट लगा देते हैं, जिससे कि सोल्डरिंग अच्छी तरह से हो जाए। ओके, ये लगा लेते हैं। ओके, इस पर सोल्डरिंग करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है, ऐसे रिमूव करना आईसी को, इस पर सोल्डरिंग करना। ओके, तो इसके कनेक्शन करते हैं। पहले सबसे पहले हम इसके स्पीकर आउटपुट के कनेक्शन करेंगे। तो स्पीकर आउटपुट के कनेक्शन करने के लिए ये वायर ले लेते हैं। ओके, इसे थोड़ा कट कर लेते हैं। और इसमें जब हम इधर से जो गिनेंगे, इधर से तीसरे नंबर की और 5 नंबर की पिन पे स्पीकर आउटपुट होता है, तो उस पर हम कनेक्शन कर लेते हैं। तो हमारी यहाँ से 1 2 3, तो ये और ये हमारा 5,
हमारी पांचवें नंबर की पिन है, तीसरे नंबर के पांचवें नंबर की पिन पे हमारा स्पीकर आउटपुट के कनेक्शन हो गए हैं। ओके, अब हम ये कनेक्शन कर लेते हैं। ओके, हम इसमें 5 वोल्ट जो था हमारा वोल्टेज रेगुलेटर उसके कनेक्शन कर देते हैं। तो ये ऐसे हमारा कि तो हम ये भी कनेक्शन कर लेंगे। तो हमने 5 वोल्ट वोल्टेज रेगुलेटर भी कनेक्शन कर लिए इसमें। ओके, अब ये जो है ये इसकी सप्लाई वाले वायर, इन्हें यहाँ से निकालते हैं, इसकी पॉजिटिव और नेगेटिव पे लगाते हैं। ओके, ये वायर जो है वो किसी ने प्रेस वाला वायर जो लगा दिया है इसमें, इससे तो अच्छे से कनेक्शन हो नहीं रहे। हम इस वायर को निकालते हैं, उनको ठीक ठाक सा वायर लगाते हैं पॉजिटिव नेगेटिव के लिए। ओके, मैं वायर दिखाता हूँ आपको। तो ये वायर हम इसके पॉजिटिव नेगेटिव में लगाएंगे, ये कॉपर वायर है। इसके पॉजिटिव में लगा देते हैं। देखिए पॉजिटिव वायर लग चुका है, नेगेटिव की भी कनेक्शन कर लेते हैं। नेगेटिव के कनेक्शन कर दिए। ओके, हम इसका जो बीटी कार्ड है, ये भी स्टेबल कार्ड है, इसके भी कनेक्शन कर देते हैं। ओके, तो ये इसका पॉजिटिव है, इसे इस वाले कैपेसिटर पे लगा देते हैं। इसका पॉजिटिव हो गया, वे स्पीकर के भी कनेक्शन कर देते हैं। स्पीकर आउटपुट पे जो सॉकेट लगा हुआ है इसके कनेक्शन करते हैं। इसका स्पीकर आउटपुट का वायर एक पे लगा दिया और एक इधर लगा देते हैं। ओके, आपको इसकी आउटपुट दिखाते हैं, सारे कनेक्शन हो चुके हैं, आपको इसकी आउटपुट दिखाते हैं। ओके, मैं से इसमें कस ले रहा हूँ, फिर आपको इसकी आउटपुट दिखाएंगे। ओके, तो दोस्तों सारे कनेक्शन हमने इसके कंप्लीट कर लिए हैं, आपको इसकी साउंड टेस्टिंग दिखाते हैं। तो ये पॉजिटिव वाला वायर कनेक्ट करते हैं, देखते हैं इसमें सप्लाई आती है कि नहीं। इसका नेगेटिव है, हमने ये कनेक्ट कर लिए हैं दोस्तों, हमने इसके सारे कनेक्शन कर लिए। और देखिए इसमें लाइट भी आ गई है, आपको साउंड टेस्ट कराते हैं। तो दोस्तों आपने देखा सेट पूरा चालू हो चुका है, इसमें साउंड भी आ चुका है। तो कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट में बताइए, और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। थैंक यू, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।